नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन एंड इंडियन ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो आज है एकादशी। एकादशी का दिन सबसे ज़्यादा खास माना जाता है क्योंकि एकादशी का व्रत हमें महीने में दो एकादशी आती है, एक तो कृष्ण पक्ष की एक है शुक्ल पक्ष की। तो एकादशी के व्रत में सभी महिलाएं का अधिकतर तो महिलाएं व्रत करती है एकादशी का व्रत। तो एकादशी के व्रत में क्या महिलाएं बाल धो सकती या नहीं धो सकती? तो एकादशी के व्रत में महिलाओं को बाल बिल्कुल भी नहीं धोना चाहिए। कुछ ऐसे दिन बनाए गए हैं जिन दिनों के अंतर्गत आपको महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। एक दिन एकादशी के दिन, अमावस्या के दिन, चतुर्थी के दिन, और जिन माओ की एक संतान होती है, एक पुत्र होता है, उनको बुधवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, शनिवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। तो काफ़ी नियम हैं जिनका पालन आपको करना चाहिए। साथ ही साथ आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अधिकतर महिलाओं को एकादशी के व्रत में बिल्कुल भी बाल नहीं धोने चाहिए। अगर गुरुवार का दिन पड़ता है तो आपको बुधवार के दिन ही बाल धो लेने चाहिए। साथ ही साथ हमें इन सब चीज़ों का जरूर ध्यान रखना चाहिए क्योंकि जो शास्त्रों में नियम बताए गए हैं उन नियमों का पालन हमें अवश्य करना चाहिए। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। और एकादशी के व्रत में महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी अपने बाल खास तौर पे नहीं धोने चाहिए। ये नियम महिलाओं के साथ साथ पुरुषों पर भी लागू होता है क्योंकि एकादशी का व्रत सबसे ज़्यादा खास माना जाता है और एकादशी के व्रत में खास पुरुषों को और महिलाओं दोनों को बाल नहीं धोने चाहिए। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए।